हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ, ये है मानिया। आज मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू कहाँ किस में है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मेरा मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी नर्वसमेंट भी है। तो अभी इंटरव्यू लेंगे, भैया लोग समझ नहीं आ रहे क्या बोलूँगी, मानिया क्या बोलूँगी, बोल दूँगी मैं हूँ, ये मानिया है और ये मेरी फैमिली है, सबको दिखा दूँ। क्या बोलती है मानिया, सही रहेगा ना? तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बोल दीजिए। मुझे पहले भी बहुत सारे चांसेस मिले हैं इंटरव्यू के, मैंने चैनल पे बताया भी है कि मुझे कई जगह से ऑफ़र आया है, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह से कि आप हमारे यहाँ ये इंटरव्यू दीजिए, लेकिन मैं नहीं गई, मैं कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई कभी। इस बार भी जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ना तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या इंटरव्यू दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, हर बार मैं ऐसे अपने मौके को ख़त्म करती रहूँगी। इतने अच्छे अच्छे मौके आए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे जाने को चांस मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं बहुत सोचने के बाद मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं सोचती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि डन, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है ना? चलो मानिया आ जाओ, आ गए पानी दे दो पहले पीने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। ये शीशा में घुस गया है, निकलो। बनारस की मिठाई खाए, तो यहाँ पे हुआ मेरा इंटरव्यू और इसके बाद हम आएंगे बालकनी में और रूम में भी कुछ शॉट्स हमने दिए जो भैया को चाहिए थे। तो हमारा शूट जो है वो हो चुका है और इंटरव्यू भी हो चुका है। भैया यहाँ पे बैठे थे, कुछ और भी बातें हो रही थी और कहाँ पे वो जाने वाले हैं और किसका इंटरव्यू है ये सब, और उन्होंने किसका किसका लिया, कुछ स्टोरीज भी भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बताई। हो गया मेरा इंटरव्यू और जो इंटरव्यू वाले भैया थे उनको मेरा घर बहुत पसंद आया। तो जब कोई बोलता है आपका घर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, सच में ही अच्छा है। मैं क्या सोच रही हूँ रील्स बना लूँ। वाशु कैसा लगा मम्मा का इंटरव्यू था? बहुत अच्छा। अच्छा, प्राउड हुआ? अरे वाह। कुछ लोग और आए हुए हैं, मतलब इनके तरफ के लोग, तो ये बैठे हुए हैं, आते हैं तो फिर इनसे भी पूछती हूँ उनको कैसा लगा। मैंने कर लिया है चेंज और 5:30 हो गए हैं, वाशु का ऑनलाइन क्लास भी चलेगा अभी। मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय बनाने, तब तक चाय बना दो। तुम्हारा क्लास हुआ? मेरा क्लास? तुम्हारा भी क्लास करा दो? नहीं, तुम भी करोगी आज? चलिए जल्दी से चाय बना दे। आप सबको पता ही है कि मैं वाशु को मैथ्स की क्लासेस जो है वो भांसू से करवाती हूँ और काफ़ी टाइम से करवाती हूँ, और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हमने भी क्लासेस स्टार्ट करवाए हैं और बच्चों को हमारे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैंने आसपास के लोगों को भी रिकमेंड किया और अपने सिस्टर को भी रिकमेंड किया था। ये तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहते। तो भांसू जो है ना वहाँ पर क्लासेस जो कराए जाते हैं ये बहुत ही मतलब एक गेम की तरह सिखाया जाता है। यहाँ पर इनका मैथ्स सिखाने का टेक्निक ना
बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत ही क्रिएटिव टीचिंग मेथड के साथ एंड एनिमेशन के साथ बच्चों को मैथ सिखाते हैं, जिसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, और बड़े से बड़ा कैलकुलेशन भी बच्चे मेंटली ही करते हैं। इस कोर्स को बनाया है वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर मिस्टर नीलकांता बानो ने। आशु तो डेली वेट करता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात यही है ना कि यहाँ पे आप कितना भी बड़ा डिजिट्स हो, स्टार्टिंग तो छोटे से ही करेंगे, लेकिन कितना भी बड़ा डिजिट्स हो ना, कैलकुलेशन कुछ भी हो, आपको सिर्फ माइंड से वहाँ पे करना रहता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लाइव क्लासेस डेली होते हैं यहाँ पे, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंटली मैथ्स करे, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप में से पहले जो 300 लोग हैं ना, उनको फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगे एंड 30% तक का ऑफ भी मिलेगा। 6 से लेकर के 15 ईयर्स तक के बच्चों को मैथ्स में सीक्रेट रिकॉर्ड तोड़ने की टेक्निक भी सिखाई जाती है। Yes, I like today's section. Okay, and what did you learn from today's class? Why is this new method helpful? Because it helped me to do multiplication very fast, faster than before. Faster than before, exactly. And without pen and copy. Very nice, very nice, yes. So, that's all for today's class. Yes, so bye-bye, have a good night. Bye. कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया, इनको तो बहुत मजा आता है। पेन पेपर से करना इजी होता है, बट माइंड से कैलकुलेशन पहले इजी बताई जाएगी, फिर मीडियम बताई जाएगी, फिर हार्ड बताई जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से करके ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से कैलकुलेशन करना रहता है। तो जल्दी कीजिए, पहले फ्री डेमो क्लासेस तो लीजिए, फ्री डेमो क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी ज्वाइन कर लेंगे, और पक्का अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे इंटरव्यू की खुशी में मान्या मेरे लिए केक लेके आई है। मेरे बाल किस तरीके से हुआ देखिए, ये इंटरव्यू की खुशी में आया है दोस्तों, इतना सुंदर केक। नहीं नहीं, मान्या का बर्थडे था किस डेट को? 21st को मान्या का बर्थडे था। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं थी भी नहीं ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं थी तो मुझे पता नहीं था। तो उसकी टीचर ने भिजवाया है केक इसके लिए, थोड़ा लेट से आया लेकिन कोई बात नहीं। सब्जी भी हो गई है, बंद करते हैं और चलते हैं केक काटते हैं, ठीक है। पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, देखिए मान्या की क्रिएटिविटी यही लिखी है ये लड़की। ये देखिए मान्या की बर्थडे का केक आया है, मान्या इसमें मेरा भी नाम लिख दिया है। माने की टीका नहीं लगा है तो मम्मी कह रही टीका लगाने के लिए, मम्मी लगाने जा रही है। लगाने से हाथ खाली दिख रही है। एक और प्लेट चाहिए, कितने लोग हैं? दो ही है, हम आशु के बर्थडे में केक ही चॉकलेट। हाँ केक सुंदर लग रहा है, बस यही है कि टेस्ट दोबारा नहीं मिल पाता है जो उसके यहाँ से मिलता है। एक बार वहाँ का ट्राई कीजिए जहाँ से मिलाते हैं। वाशु के बर्थडे वाले खाई थी ना, नहीं तो उसका खाना चाहिए आपको, ये बहुत मीठा मीठा है, उसका मीठा बहुत नहीं रहता है, बहुत हल्का। पैसा भी मिला। मम्मी थोड़ा सा और ले लीजिए केक, आप हाँ थोड़ा मीठा है लीजिए, आप लोग भी मान्या के बर्थडे का केक खा लीजिए। निवेदिता सबसे उनका पास पार्टी की अगली बार से तीखा केक बनवाया जाएगा। बढ़ गया पत्ता ना मेरा, खाओ मानिया। तो केक किसके लिए है?
अपनी बर्थडे का केक नहीं खाओगी? फोन मेरा खराब हो रहा है। बाय बाय मानिया, जा रही है अपने घर। अब अपना विचार बताइए। काजल मेरा देखो यहाँ पे आ गया। कल का पूछ रही हो? मम्मी ने, वाशु ने खाना खा लिया है, अभी मैंने नहीं खाया है क्योंकि अभी आए नहीं है और मेरा अकेले खाने का मन नहीं हो रहा। इनको आने में टाइम है, अभी 11 o'clock बोल रहे थे, हो जाएगा 11 या फिर 11:30, तो देखती हूँ। अभी भूख भी नहीं लगी है, भूख लगेगी तो खाऊंगी, नहीं तो फिर जब ये आएंगे तब खाऊंगा। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, नाइट में बहुत लेट में आए थे, मैं तो आधा नींद में थी आधा सोई हुई थी, लेकिन आया तो मुझे पता चल गया था कि आया हुआ है। और ब्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई थी, तो आपको कैसा लगा था? मैंने पूछा नहीं था इनसे, तो मैंने सोचा पूछो भी। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा वाला अच्छा मुझे लगा। और मैं सोच के मैं खुश हो रहा था कि चलो नई नई उपलब्धियाँ आ रही हैं मेरे बच्चे। हाँ वही, इन्होंने पहले भी मुझे बोला था कि ऐसे अपॉर्चुनिटी आए तो छोड़ा मत किया करो, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। नहीं, अच्छा होता है ना जब आप सोशल हैं और फिर आपको लोग इतने जानने वाले हैं और आपको लोग इतना प्यार करते हैं, इतने आपकी अच्छी अच्छी फैमिली हैं, तो फिर अगर आपको कोई इंट्रो आपका लेने आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, है ना। और मम्मी को भी ये बताया लेकिन मम्मी समझ नहीं पाई। मम्मी कह रही थी कि कोई लग रहा है ऐड वर्ड करने के लिए आ रहा है, फोटो वोटो खींचने के लिए। मैंने कहा मम्मी को बता दीजिए, मम्मी फोटो नहीं खींचने आ रहे, लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं पेपर वाले। लगा कि यही लोकल से ही आ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो कह रहे नहीं मैं यहाँ से नहीं, मैं डायरेक्ट नेशनल से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। हाँ वो दिल्ली से आए थे। तो चलिए नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं जा रही हूँ अभी नहाने वाले, और एक स्पेशल डिश भी बनाऊंगी, तो आप सभी नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जल्दी से 2 lakh सब्सक्राइबर्स करवाइए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे भी सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा होते तो ज़्यादा सही रहता है। अपॉर्चुनिटी तो मुझे देखिए इतने में ही बहुत सारी मिली, लेकिन मैंने उसका फ़ायदा कभी नहीं उठाया, ना मैं कभी गई। लेकिन हाँ, अब सोच रही हूँ कि जाऊँगी। तो क्या होता ना, एक बार आपको 2 बार 3 बार अपॉर्चुनिटी जब मिलती है ना, और आप रिजेक्ट करते रहते हैं, तो फिर जब वेट करते हैं तो बहुत देर में मिलती है, साफ सुथरी वीडियो होती हैं और आप लोग को बहुत पसंद भी आती है। ठीक है, बाय बाय।